अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, आज हम आपके साथ एक इस्लामिक कैलीग्राफी शेयर करेंगे। उसके लिए हम जो है वो एक 10x10 का कैनवस लिया है। इसको हम जो है अनरैप कर रहे हैं। इसके लिए हम सीज़र का यूज़ कर सकते हैं, कटर्स का कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि हम इसको सीज़र के साथ इसको अनरैप करें। तो ये अनरैप हो चुका है, तो अब हम इसको सामने रख के इसको हमने इसके लिए ब्रश लिया। अब इसको वाटर लेके इसके साथ हम जो है इसको थोड़ा थोड़ा इस पर वाटर लगा के इसको, ये हम वाटर के साथ इसको वेट कर रहे हैं। वेट वाटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि कलर जो है वो कम से कम यूज़ हो। तो वेट ये आपके सामने जो है हम इस ये आपके सामने जो है हम पानी के साथ वाटर के साथ इसको वेट कर रहे हैं। तो इसमें ये बस ये कंप्लीट होने वाला है। ये जो है हम इसको वेट कर रहे हैं, अभी ये रेडी हो जाएगा फॉर पेंटिंग। तो इसके ऊपर वेट करने के बाद हम इस पर जो है वो ये देखें हम गैसो का प्रिमर जो है वो इस पर अप्लाई करेंगे। तो ये हम इसको कैनवस के हिसाब से इसको चूज़ कर लेंगे कितना पेंट हमें जो है ये गैसो का प्रिमर चाहिए। तो हम ये ऊपर इसके रख के इसको ब्रश के साथ वन साइडेड से लेके पूरे कैनवस पे अप्लाई करेंगे। ये हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। और ये गैसो का जो प्रेमर है ये कहीं भी आपको इजीली किसी भी मार्ट से, किसी भी जो है वो स्टेशनरी शॉप से जो है जहाँ से कैलीग्राफी का स्टॉक मिल सकता है, इजीली आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये अब हम जो है ऑलमोस्ट जो है ना हमारा गैसो इस पर अप्लाई हो गया है। तो नेक्स्ट जो है हम इसको ये इस पर गैसो का जो है वो प्रेमर जो है वो टोटली इस पर अप्लाई हो चुका है। तो इसके लिए कैलीग्राफी करने के लिए ये जो आपका कैनवस है आफ्टर गैसो इसको ड्राई होना चाहिए। तो हम इसको इसके बाद ड्राई करेंगे। तो अगर तो आपके पास ड्रायर है तो आप इजीली उसके साथ इसको जो है वो ड्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी देर साइड पर रखें। हमारे पास ड्रायर अवेलेबल था तो हम जो है ना इसको ड्रायर के साथ इजीली जो है हमने ड्राई किया कि ताकि टाइम की बचत हो सके। ये अब हम वाटर के साथ इसके ऊपर जो है वो कैनवस के ऊपर ट्रेस करेंगे। जो भी हमारा है कैलीग्राफी का जो भी है वो हम इस पर ट्रेस करेंगे। और ये ट्रेस तकरीबन ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, तो ये आपके सामने है। तो ये एक अच्छा हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है। अब हम इस पर ये एक्रेलिक जो पेंट्स हैं ये कैनवस पे यूज़ होते हैं, इसके कोई स्पेशल पेंट्स होते हैं। तो हम ये एक्रेलिक कलर्स जो हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिलियंट कलर्स हैं फॉर कैलीग्राफी एंड कैनवस के लिए। क्विक ड्राइंग एंड बेस्ट कंसिस्टेंसी एंड जो है गुड कवरिंग पावर है इसमें, जो कि कैनवस को जो एक अच्छा शेड एक अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं। ये बड़े जो है वर्सटाइल किस्म के और वाटर रेजिस्टेंस जो पेंट्स हैं इसमें बहुत सारी रेंज मिल जाती है आपको। तो ये हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने जो है वो कम्बिनेशन बनाया है ब्लू का और उसमें वाइट हमने जो है वो ऐड किया है ताकि ये थोड़ा सा स्काई ब्लू बन सके। तो कलर का कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि सारे क्या सारा कैनवस का आपका जो भी कैलीग्राफी है उसमें कलर का कम्बिनेशन कलर चूज़ करना बड़ा मैटर करता है। इसमें जितना कलर आपका अच्छा होगा उतना आपके कैनवस का रिज़ल्ट और आपकी कैलीग्राफी अच्छी होगी। इसमें ये हमने इसको वाइट ऐड करके हमने कोई स्काई ब्लू कलर जो है हमने शेड इसको दिया है और अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं कैनवस पे। तो ये आपके सामने है, एक साइड से हमने स्टार्ट किया है। तो कलर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक साइड पे जो है वो हमने स्काई ब्लू और दूसरी साइड पे जो है वो ब्राउनिश कलर चूज़ किया है। तो उसके बाद हम जो अपना कैलीग्राफी जो हमने की थी उसके अंदर भी जो है वो हमने ब्लैक कलर चूज़ किया है। तो जब ये कंप्लीट होगा तो ये एक फाइन लुक देगा। तो ये अभी हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं इसको। तो ये आपके सामने है ब्लैक शेड, वेरी ऑसम।
ये हमने जो अपनी कैलीग्राफी की है अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है, तो हम इसके ब्लैक कलर के साथ इसकी फिलिंग करें। तो ये एट दी एंड हम कंप्लीट कर चुके हैं, और लास्ट पे एक स्टेप रहता है वार्निश का, जो कि बहुत स्पेशल है, जो कि हमारी कैलीग्राफी को एक्स्ट्रा शाइन करता है, उस पर एक शाइनिंग लाता है। तो हम उसको अप्लाई कर रहे हैं बल्कि इस पर, तो ये आपके सामने है ब्रश के साथ हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो जिससे जो है हमारी पेंटिंग जो है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, एक्स्ट्रा शाइन हो जाती है। तो ऑलमोस्ट हमारी कैलीग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मोर आपके लिए और पेंटिंग